हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अज जिहड़ा हैगा अपना नैक्सट टॉपिक 52 नंबर पेज तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द बेयरस्टोस मैथड। ठीक है, बेयरस्टो मैथड जिहड़ा हैगा है इनू इहदे नाल रिलेटड बेटा मैं तुहानू एक वीडियो जिहड़ी हैगी है लिंक दे विच भेजी है, तुसी उहनू जरूर देखना, चंगी तरह देखो तुहानू समझ आ जाएगा कि किस तरह जिहड़ा हैगा बेयरस्टो मैथड नू यूज़ करना है। यूज़ करके आप सबू जरा है गया, कोई भी तुम इदा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, कोई भी इदा इक्वेशन गिवन होएगी जिन्हों की आप क्वाड्रेटिव फैक्टर फाइंड क्वाड्रेटिव फैक्टर जरा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन का आप क्वाड्रेटिक फैक्टर जरा है ऑफ द पोलिनोमियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो थोड़ू रूट्स जे है वह गिवन होंगे। तो बेयरस्टो मैथड जरा है उस बेटा बहुत चंगी तरह जरा है समझाया गया है, तुहानू उस जो समझ आ जाएगा। जिहड़ी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सेम उस तरीके नाल ही है जिस तरह की तुहानू वीडियो भेजी है, मैं सैकेंड एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी है तुहाडे नाल इत्थे डिस्कस करांगी। क्लीयर, इहदे विच आपां ने की पता करना है कि फाइंड ए पेयर ऑफ कॉम्पलैक्स रूट्स। ठीक है, इहदे विच आपां ने क्वाड्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करना सीगा। देखो लास्ट दे विच अपने कोले जो आंसर आया सी वो देखो इस तरह क्वाड्रेटिक फैक्टर दे विच आया सीगा। क्लीयर, तो ये आपने पता करना रूट्स फाइंड आउट करने हैं वो भी कि कॉम्पलैक्स फॉर्म के पेयर ऑफ कॉम्पलैक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आप उस तरीके ही गिवन है एंड गिवन दैट ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो जे कॉम्पलैक्स फॉर्म के बाय यूजिंग द लिन बेयरस्टो मैथड इनू। ठीक है, तो पी नोट तो क्यू नोट की वैल्यूज आपू गिवन है। क्लीयर, तरीका उही रहेगा बेटा, कुछ ना कुछ भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुसी उसे तरीके नाल फाइंड आउट करनी है जिमें कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल दे विच फाइंड आउट की है एक्स स्केयर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू की फॉर्म के ते उस तो आप करांगे जिहड़े अपने कॉम्पलैक्स रूट्स है वो फाइंड आउट करांगे। देखो आप हुण इहनू किवें करांगे, उसे तरीके नाल सेम चलांगे जिमें कि तुहानू करवाया होया पी नोट की वैल्यू गिवन है, क्यू नोट की वैल्यू गिवन है, अपने कोफिशियंट्स जिहड़े हैगे है इन्हां दे लिख लिया, एक्स फोर का कोफिशियंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशियंट -5, एक्स स्केयर का 20, एक्स का -40 ते 60। क्लीयर, तो तुहानू दस्या सीगा ते आपां इत्थे की लिखना है नैगेटिव ऑफ पी नोट एंड क्यू नोट तो आपां स्टार्ट करांगे, तो पी नोट का नैगेटिव 4 हो जाएगा, क्यू नोट का नैगेटिव -8 हो जाएगा। तो आ तीनों जिहड़े हैगे है इन्हां नूं आपां खाली रखना है, पहले इन्हां नूं प्लस कर लिया आपां ने उसे तरीके नाल, फिर इत्थे तुसीं की लिखना है 1 नूं जो इत्थे आएगा उहनूं आपां फस्ट टर्म नाल मल्टीप्लाई करना, 1 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई कीता 4 आ जाएगा, ये खाली रहेगा, मैं इत्थे कुछ नहीं करना, मैं इन्हां दोनों नूं ऐड कर दो, ऐड करांगे -5 प्लस 4 जिहड़ा हैगा -1 आ जाएगा। सैकेंड जिहड़ा हैगा अपने कोले सेम, इहदे विच आपां की करांगे हुण -1 नूं आपां की करना हैगा 4 नाल जिहड़ा इत्थे अपने कोले आया उहनूं आपां पी नोट नाल मल्टीप्लाई करना हैगा, -1 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करता -4 आ गया। इहनूं किस तरह कैलकुलेट करना है, इहदे वास्ते जो आ वाली टर्म कैलकुलेट कीते उस तो पहलां वाली टर्म नूं आपां क्यू नोट नाल मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू -8 -8 इत्थे लिख लिया, उस तिना नूं प्लस कर दिता है। क्लीयर बेटा, सेम अगला भी इसे तरीके नाल करना है, जो आ वाली टर्म आई है इनू पहला पी नोट नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने कोले आ वाली वैल्यू आ जाएगी 32, 8 इंटू 4 32। तो सैकेंड वास्ते आपने की करना है, ये वास्ते जो आ वाली टर्म आई है इस तो पहला वाली टर्म नूं आपां सैकेंड नाल मल्टीप्लाई, -8 इंटू -1 यानी कि 8, आपने 8 लिख दिता, तिना नूं प्लस कर दिता, जो तिना नूं प्लस करांगे तो 32 प्लस 8 40, -40 0 आ जाएगा, इहदी वैल्यू 0 आ जाएगी। सेम अगला भी इसे तरीके नाल करना है, ये प्रोसैस बेटा तुहानूं उहदे विच चंगी तरह समझाया सीगा। थर्म 3 रोज़ तक जिहड़ा हैगा आपने यह स्टैप करना है, क्योंकि आपूँ जो फार्मूला अगे आप यूज़ करांगे उहदे विच आपूँ ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। ठीक है, तो आपू मीनस बीज दिया वैल्यूज़ तो सीज़ दिया वैल्यूज़ 3 तरह दिया वैल्यूज़ चाहिए, एज बीज तो सीज़ दिया वैल्यूज़ चाहिए, तो उहदे अकॉर्डिंग देखो इनू आपां तुसीं इह वी चीज़ याद रख सकते हो, तुहानूं जिवें दस्या सीगा ए तुहाडा ए एन जिहड़ा लास्ट वाली टर्म होगी उहनूं जे आपां सीधा ए एन नाल भी तुसीं लिख सकते होगे, ए ए एन हो जाएगा तुहाडा,
दिस इज़ बी एन लास्ट वाला एंड बी एन माइनस वन, तो बी एन माइनस वन ये नीचे वाली टर्म भी फिर सी एन माइनस वन होएगी, अदू पहला वाली सी एन माइनस टू तो अदू पहला वाली सी एन माइनस थ्री होएगी। ओके उस तो बाद नैक्सट जरा है करैक्शन जीडिया है डेल्टा पी ते डेल्टा क्यू जीडिया है ये फाइंड आउट करने वास्ते अपन फार्मूला जरा बेटा ये याद रखना पेगा। ये फार्मूला किस तरह याद रखना तुसी देखो सी एन माइनस टू डेल्टा पी प्लस सी एन माइनस थ्री डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बी एन माइनस वन। ठीक है आ तो चीज़ याद रहेगी पहला डेल्टा पी लिखना फिर डेल्टा क्यू लिखना है। इतों की शुरू करना है एन माइनस टू तो शुरू करना है सी एन माइनस टू सी एन माइनस थ्री तो इधर बी एन माइनस वन आएगा। क्लीयर एन माइनस वन इधर सी एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ओके तो वैल्यू सारिया आप कढ चुके हैं ऑलरेडी सी एन माइनस टू की वैल्यू पता है सी एन माइनस थ्री की पता है तो बी एन माइनस वन की पता है। इन तीनों वैल्यूज़ में जोड़ा है आपने ये पुट कर देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन सी सैकेंड की है अपने को देखो ध्यान ना ये राइट हैंड साइड पर बी एन है। ठीक है राइट हैंड साइड पर बी एन है तो लैफ्ट हैंड साइड पर की आएगा आप सी एन माइनस वन तो शुरू करा। क्लीयर इधर राइट हैंड साइड पर एन माइनस वन सीगा तो एन माइनस टू तो शुरू कर रहे सी इधर राइट साइड पर एन है तो आप एन माइनस वन तो शुरू करा सी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इंटू डेल्टा पी प्लस सी एन माइनस टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बी एन। क्लीयर ईजीली याद हो जाएगा तुम्हें राइट हैंड साइड याद रखनी है इधर एन माइनस वन तो शुरू किया तो एन माइनस टू एन माइनस थ्री इधर एन तो शुरू किया तो इधर पहला एन माइनस वन लवेंगे सी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इंटू डेल्टा पी प्लस सी एन माइनस टू इंटू डेल्टा क्यू। वैल्यू सारिया आपां पता है तीनों वैल्यूज जिहड़ियां हैगियां इहदे विच पुट कर दो। जे तुहानूं इहदे विच कन्फ्यूजन होंदी है तो जिवें कि तुहानूं वीडियो समझाया गया है एन की वैल्यू तुसीं पुट करके उस तरीके नाल भी पुट कर सकते हो चाहे सीधा भी पुट कर सकते। उस तों बाद इन्हां दोनों क्वेश्चन्स नूं आपां सोल्व करके जिहड़ा हैगा डेल्टा पी ते डेल्टा क्यू की वैल्यू जिहड़ी है वह फाइंड आउट करनी हैगी। इहनूं जिवें कि तुसीं टू नाल मल्टीप्लाई करके जिहड़ा हैगा चो सबट्रैक्ट कर दो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो फिर डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा पी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पता लग जाएगा तुहाडे कोल फस्ट आइट्रेशन आ जाएगी पी वन तो क्यू वन। पी वन की वैल्यू पी नोट प्लस डेल्टा पी पी नोट की वैल्यू थोड़ा पता ही हैगी है ना पी नोट की वैल्यू इधर गिवन सी माइनस दे फोर प्लस जो डेल्टा पी की वैल्यू आई अपने कोके प्लस कर देवे माइनस हो जाएगा ये तो क्यू नोट क्यू वन वास्ते क्यू नोट प्लस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू दोनों प्लस कर दें। उस बाद नैक्सट आइट्रेशन कढ़ांगे उहदे वास्ते सेम आपां जिहड़ा हैगा प्रोसैस जिहड़ा हैगा उहनूं रिपीट करांगे वन माइनस फाइव ट्वेंटी माइनस फोर्टी सिक्सटी बट पी वन ते क्यू वन लैके चलने हुण आपां इत्थे। ठीक है इन्हां दा नैगेटिव लै लिया आपां ने तां इह पॉजिटिव हो जाएगा आ वाला नैगेटिव हो गया बाकी जिहड़ा प्रोसैस उह सेम है बेटा उहदे विच बहुत चंगी तरह समझाया वीडियो दे विच सेम आपां प्रोसैस लिता गा ये थोड़ा बी एन हो जाएगा बी एन माइनस वन हो गया ये नीचे वाला सी एन माइनस वन हो गया सी एन माइनस टू सी एन माइनस थ्री। उस तरीके आपने की किया दोनों जेड़े है डेल्टा पी करैक्शन जीडिया डेल्टा पी तो डेल्टा क्यू वैल्यूज दोनों क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट करती पी टू तो क्यू टू दैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर लिया। हुण जदों अपने कोल पी टू तो क्यू टू वैल्यूज़ देखो ये सिर्फ दो ही आइट्रेशन करनी आप पी टू तो क्यू टू तक कढ़ांगे दोनों आइट्रेशन कढ़न तो बाद आप क्वाड्रेटिक फैक्टर जिहड़ा हैगा गिवन इक्वेशन एफ एक्स का आप बना देवे तो वह फार्मूला जिहड़ा हैगा तुहानूं लिखवाया ही होएगा ये फस्ट के आपने लिखा होएगा एक्स स्क्वेयर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू। ठीक है यही फार्मूला जिहड़ा हैगा इत्थे तुसीं अप्लाई कर देना है एक्स स्क्वेयर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू। ठीक है ये तुहाडा फार्मूला बन जाएगा पी टू की वैल्यू थोड़े को माइनस दे थ्री पॉइंट एट थ्री तो क्यू टू की वैल्यू सैवन पॉइंट थ्री जीरो ये थोड़े को क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया गिवन इक्वेशन जी आपको गिवन सी तो आपने की क्ढना मैं थोड़ा दसिया सीगा आपने फाइंड आउट करने कॉम्पलैक्स रूट्स कॉम्पलैक्स नंबरस की होंगे थोड़ा लास्ट ईयर करवाए थे फस्ट ईयर के जिहड़े आइटा वाली टर्म्स होंगे उन्होंने आप कॉम्पलैक्स रूट्स कहने हैं तो ए प्लस माइनस आइटा बी जिहड़ा होंगे है ये की है ये कॉम्पलैक्स रूट्स है तो आप रूट्स किमें फाइंड आउट करा ये वास्ते बेटा तुम एक जो है
आह चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन ए वाली इक्वेशन देखो, कॉम्प्लेक्स रूट्स वास्ते इन्होंने लिखी हुई है। द कॉम्प्लेक्स रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर दे विच है अक्कर करते हैं, एंड ईच सच पेयर कोरसपोंडिंग टू द क्वाड्रेटिक फैक्टर दे विच वह क्या इस तरह होंगे अपने को, एक्स माइनस ए प्लस अल्टा बी ते एक्स माइनस ए माइनस अल्टा बी। तो जिन्हों आप मल्टीप्लाई करते आपस के इन्होंने दोनों फैक्टर्स न, तो अपने को आ वाली इक्वेशन बन जाती है, एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये उस तरह की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन्हें हमने आपने लिखी है, एक्स स्केयर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू। ठीक है, हमने पी टू एक्स क्लीयर, तो ये देखो एक्स का जो कोफिशेंट होएगा वह अपने को होएगा माइनस टू ए होएगा, तो जो क्यू टू वह कॉन्सटेंट। इतों आप ए ते बी दी वैल्यूज फाइंड आउट करके जो कॉम्प्लैक्स रूट्स है इन्हों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लीयर, इनू देखो तुसी एग्जाम्पल दे विच, देखो ये अपने को जी है क्योंकि ऑलरेडी नैगेटिव दे विच है तो अपने को वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो टू ए दी वैल्यू 3.83 हो गया गा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर दस्या सीगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू होगी 7.3064। तो इनू तुसी कैलकुलेट कर लो, इनू किवें कैलकुलेट करोगे, टू नाल डिवाइड कर दो, तो ए दी वैल्यू तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी 1.9149 आ जाएगी। ए दी आ वाली वैल्यू तुसी इहदे विच पुट कर दो, उहदा स्केयर लैना गया, स्केयर लैके उहनू राइट हैंड साइड ते लै जाओ, माइनस हो जाएगी, माइनस करके इहदे विच उहदा स्केयर रूट लै लेना, तो बी दी वैल्यू कैलकुलेट करके तुहाडे कोल आ जाएगी। तो ए ते बी दियां ए वालियां वैल्यूज़ आपां इहदे विच पुट कर देवांगे, 1.9149 ते प्लस माइनस आइटा 1.907। इस तरह जिहड़ा हैगा आपां जिहड़ा पेयर ऑफ रूट्स कॉम्प्लैक्स रूट्स सीगा वह फाइंड आउट कर लवेंगे। इस तरीके नाल जिहड़ा बेयरस्टो मैथड है उहनूं आपां यूज़ करते हैं। फस्ट एग्जाम्पल तुहानूं ऑलरेडी जिहड़ी हैगी जो तुहानूं वीडियो करवाई है उहदे नाल दी सेम है बेटा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लास्ट ते जस्ट कॉम्प्लैक्स रूट्स कढ़न दा ही थोड़ा इहदे विच एडिशन कीती सी, बाकी सारा कुछ सेम ही हैगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक। क्लीयर, तो 1.7 एक्सरसाइज, तीन समझ है, तीनों समझ इस तरीके नाल करने, तुसीं खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखो। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां अगला चैप्टर स्टार्ट करांगे। थैंक यू बेटा।